बैक एवरीवन टू माय चैनल। आज की हमारी रेसिपी है क्रिस्पी कॉर्न। आइए देख लेते हैं हमें क्रिस्पी कॉर्न के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। इसको जो है मैंने ऑलरेडी बॉइल कर लिया है कॉर्न को। जीरा पाउडर, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, लेमन वेज, सॉल्ट, चॉप कोरिएंडर, ओरिगेंडो अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, कॉर्न स्टार्च, ये जो है इसको करारा करेगा क्रिस्पी। चलो तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। ऑयल जो है मैंने पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया है। कॉर्न को जो है मैंने पहले उबॉइल कर लिया था। इसमें जो है 2 स्पून डालेंगे कॉर्न स्टार्च को, 1 स्पून जो है सॉल्ट डालेंगे, मिक्स वेल विद स्पून। अगर आपका कॉर्न ज़्यादा ड्राई है तो इसमें पानी का छिट्टा मार लें ताकि कॉर्न स्टार्च जो है इसमें अच्छे से लग जाए, मिक्स हो पाए। अब हम जो है कॉर्न को डीप फ्राई करेंगे। देखिए कॉर्न को मैं डाल रही हूँ, ये जो है तेल का टेम्परेचर जो है ज़्यादा हाई ना करे वरना वो फूटेंगे। अगर जैसे ज़्यादा हो और गर्म हो जाता है तो उसमें जो है प्लेट रख सकते हैं ऊपर से आप। चुप कर रहे हैं, देखिए कौन हो चुके हैं। देखिए हमारे क्रिस्पी कॉर्न कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, स्वाद अनुसार सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ओरिएंडर, ओरिगेनो। जैसे मैंने पहले बताया था अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेमन जूस, नाउ प्लेटिंग टाइम। आई होप आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। एक बार जो है आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसी आपको लगेगी आप टेस्ट करके बताइएगा और कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा।